और देखिए हिमाचल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी के धुआंधार चार जनसभाओं की खबर है। कुल्लू में उनकी जनसभा होगी, बंजार, बालह और मंडी ऊना के गगरेट में रैलियों की खबर है। खबर यह भी है कि सीएम योगी हिमाचल के चुनाव दौरे पर आज पांचवी बार जब जा रहे हैं तो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले वो 12 विधानसभाओं के लिए 12 रैली कर चुके हैं। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कई जनसभा करेंगे। ये उनकी चौथी चुनावी रैली होगी, चौथे दिन होगी, जहां पर अंतिम दिन भी पूरा जोर लगाएंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दोनों ही मुख्यमंत्रियों का नाम है, जहां पांचवें दिन के दौरे पर चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे, चार विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और 12 नवंबर मतदान से पहले चुनावी शोर आज थम जाएगा, उससे पहले पूरा जोर लगाया जाएगा। स्टार प्रचारकों को भी आज यही काम करना है, जिसमें सीएम योगी का नाम अग्रणी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो सीएम योगी का 16वां संग्राम क्या है, देखिए आज हिमाचल में चार रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। कहां कहां? कुल्लू के बंजार विधानसभा में उनकी जनसभा है, मंडी के बल और नाहन में उनकी रैली है, ऊना के गगरेट में उनकी जनसभा है, और हिमाचल की अगर पूरी आप बात करें तो पांचवें दिन का यह दौरा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दूसरे राज्यों में भी योगी मॉडल पर चर्चा होती है, आम जनमानस में भी ये बात प्रचलित है। 12 नवंबर को हिमाचल में वोट डाले जाएंगे, 8 दिसंबर को 68 विधानसभा सीटों पर नतीजे आ जाएंगे। हिमाचल की आप बात करें तो हर 5 साल में सरकार बदलने वाली तासीर है यहाँ की जनता का, और इसी को बदलने की कोशिश में बीजेपी की तरफ से तमाम स्टार प्रचारक लगे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम अग्रणी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हैं। बीजेपी पूरी जोर कर लगाने के लिए तैयार है। आखिरी दिन भी ताबड़तोड़ जनसभाओं का दौर आज चुनावी शोर समाप्त हो जाएगा, उससे पहले पूरी जोर लगाने की कोशिश रहेगी। और इसी के तहत देखिए किस तरीके से स्टार प्रचारकों की सूची तैयार है, और आज अंतिम दिन भी चार चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पांचवा दिन है जब वो ग्राउंड पर होंगे हिमाचल के, और कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी, इसीलिए अपने स्टार प्रचारकों को फुल फ्लेज पूरे एक्शन के साथ रैली प्लान करके दिया गया है, जगह जगह जाना है। लेकिन डिमांड काफी हाई है, बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। जहां पहला दौरा कब था ये भी डिटेल्स आपको दे दें, 4 नवंबर पहला दौरा, 3 रैलियां थी, 3 विधानसभा क्षेत्र को कवर किया था, 2 नवंबर को था। 4 नवंबर को दूसरे रैली पर निकले, जहां 3 विधानसभा में 3 रैलियां थी। 7 नवंबर तीसरा दौरा था, जहां 3 रैलियां, 3 विधानसभाओं में जनसभा को संबोधित किया। फिर 8 नवंबर 3 रैलियां, यहां भी 3 विधानसभा कवर हुई हैं। 10 नवंबर आज पांचवां दिन है, पांचवां दौरा है, जहां 4 रैली है, 4 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच करके वहां के प्रत्याशियों के लिए पक्ष में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट अपील करेंगे। लखनऊ से खबर है, संजय सेठ के शालीमार एमरल्ड पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपार्टमेंट का कुछ हिस्सा अवैध बताया है, और अवैध बताते हुए संजय सेठ को एलडीए ने नोटिस भेजा है। आज 11 बजे साक्ष्य लेकर एलडीए पहुंचने के निर्देश है। साक्ष्य पेश नहीं करने पर अवैध हिस्से पर कार्रवाई हो सकती है। बड़ी खबर, एलडीए का एक्शन, नोटिस भेजा है, एक बड़ा हिस्सा अवैध बताया जा रहा है, और अब उस पर बुलडोजर चलने की संभावना जताई जा रही है। संजय सेठ का शालीमार एमरल्ड है, इनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलने के खतरे को देखा जा रहा है, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कुछ हिस्सा चिन्हित किया है जिसे अवैध बताया है, और अब इस पर नोटिस भी भेजा जा चुका है। आज 11 बजे सबूत के साथ एलडीए पहुंचने के निर्देश दिए जा चुके हैं। अगर ये सबूत सही नहीं रहे, कागजात पूरे नहीं रहे, पेपर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं रहे, तो अवैध हिस्से पर कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का, उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि किस किस हिस्से को लेकर के संजय सेठ के ऊपर बुलडोजर वाली ये जो कार्रवाई का की जानकारी मिल रही है, विवेक इसमें क्या क्या दायरा है, क्या क्या चीजें आ रही है निकल करके सामने? इसलिए लता मैं शालीमार एमरल्ड के बाहर ही खड़ा हूँ, आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ, क्योंकि ये जगह बड़ी पॉश कॉलोनी है, पॉश इलाका है, हजरतगंज का जॉपलिंग रोड, जहाँ पर एक एक मकान की कीमत कई कई करोड़ रुपए है, और जो ये अपार्टमेंट आप देख रही हैं सामने, ये भी इसमें एक एक फ्लैट दो दो करोड़ रुपए का है। इसमें 8वां और 9वां तल, ऊपर दिखाइए हरिओम, 8वां और 9वां तल
ये अवैध बताया जा रहा है और नवे तल पे 9th फ्लोर पर पेंट हाउस बने हुए हैं। एक पेंट हाउस 3500 स्क्वायर फीट का है जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। ये बताया जा रहा है कि दो पेंट हाउस बहुत रसूखदार लोगों को दिए हैं शालीमार के मालिक संजय सेठ ने। वो रसूखदार लोग इसमें एक यूपी सदन का जो हेड है राजीव तिवारी उसके नाम पर है और दूसरा प्रतीक यादव के करीबी हैं उनके नाम पर, विवेक यादव उनके नाम पर दो पेंट हाउस हैं और इसके ऊपर सर्वेंट क्वार्टर भी बनाए गए हैं, वो सब इल्लीगल हैं। एलडीए ने इसी बात का नोटिस दिया है कि जो पेंट हाउस बने हैं और यानी 9th फ्लोर पूरा, दो टावर हैं आप देख रहे हैं सामने, दो टावर हैं इस अपार्टमेंट में और दोनों टावर में 9th फ्लोर अवैध रूप से बनाया गया है बिना नक्शे के, यानी स्वीकृति सिर्फ 8वें तल तक थी ऐसा बता रहे हैं कि 8वें तल तक ही थी। 8वें तल पर 3-3 फ्लैट बने हैं जबकि ऊपर जो नवा तल है उसमें 3 फ्लैट की जगह 2 फ्लैट बनाए गए हैं, पेंट हाउस बनाए गए हैं, वो अवैध हैं। उसके ऊपर सर्वेंट क्वार्टर बने हैं वो भी इल्लीगल हैं। ये नोटिस एलडीए ने दिया है 11 बजे तक संजय सेठ को बुलाया। हालांकि संजय सेठ की तरफ से जो उनकी लीगल टीम है वो पूरी तैयारी कर चुकी है, जो नक्शे हैं, जो कागजात हैं, दस्तावेज हैं, जो परमिट है इसको बनाने का, वो सब निकाल कर 11 बजे वहां पहुंचेंगे। लेकिन यही मामला नहीं है, खास बात यह है कि संजय सेठ के साथ सिर्फ इस शालीमार एमरल्ड आलीशान अपार्टमेंट का मामला नहीं है, इसके बगल में शालीमार ग्रांड बना हुआ है, वहां पर सैकड़ों फ्लैट हैं, कई टावर बने हुए हैं, वो भी उसमें भी बहुत सारी कमियां सामने आई हैं। और सबसे खास बात यह है संजय सेठ के मामले में, जो सबसे खास बात है, अमित शाह की नाराजगी। संजय सेठ को दोबारा उन्होंने मौका नहीं दिया, क्यों नहीं दिया उसके पीछे भी एक कहानी है। जो इनका कैंट में बंगला है, कई करोड़ रुपए का बंगला, उसको गलत तरीके से, अवैध तरीके से कब्जाया है उन्होंने, ये भी शिकायतें मिल रही हैं, इसकी जांच भी चल रही है। और अमित शाह को उन्होंने जब बुलाया था तो उसी बंगले पर बुलाया था और अपने जो पार्टनर है खालिद मसूद उनके हाथों सम्मानित कराया गया था अमित शाह को। अमित शाह को जब ये पता चला तो इस बात से वो नाराज हैं और उसके बाद संजय सेठ का जो राज्यसभा जाने का एक मौका था वो चूक गए, उनको मौका नहीं दिया गया, गंवा दिया। जबकि माना जा रहा था कि अमित शाह को उन्होंने आमंत्रित किया है एक बैठक में, एक मीटिंग थी बुद्धिजीवी वर्गों की, उनको बुलाया था और वहां पर सम्मानित कराया था खालिद मसूद अपने पार्टनर से, उसको लेकर अमित शाह नाराज हैं, इसी वजह से उनको दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया। ये बड़ी बात सामने आई है और उस कैंट के बंगले की भी बड़ी जाँच चल रही है और इस मामले में ये कहा गया है, कैंट के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से वो वहाँ पर कब्जा किया गया है, ये भी शिकायतें मिल रही हैं। यानी सिर्फ इस अपार्टमेंट का मामला नहीं है, लखनऊ में जितने अपार्टमेंट हैं अगर हम बात करें तो शहीद पथ पर एक अपार्टमेंट बना हुआ है, वहाँ पर PWD की 5 सड़कों पर कब्जा किया गया है, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की बात है ये सब, ये भी अपार्टमेंट समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बना था। और संजय सेठ हमेशा सत्ता की मलाई खाते रहे हैं, जिस सरकार में उनको मौके मिले उन्होंने जमकर काम किया और समाजवादी पार्टी के काम कार्यकाल में उन्होंने जमकर गड़बड़ियां की हैं, घोटाले किए हैं, गलत तरीकों से अपार्टमेंट बनाए हैं, जमीनें कब्जा की हैं। विवेक, PWD की अब खुल रही जमीनों पर कब्जा करने का ये मामला, इसके बारे में थोड़ी डिटेल दीजिए। जी बिल्कुल, जो अपार्टमेंट बनाया है संजय सेठ ने वहाँ पर शालीमार वन करके, शालीमार वन एक बड़ा अपार्टमेंट है, उसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी है, सब मिलाकर बना है, वहाँ पर PWD की 5 सड़कें उन्होंने कब्जा की है जिसकी 10 महीने से जांच चल रही है। चूंकि संजय सेठ के रसूखदार आदमी है, एक बड़े आदमी है, इस पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बिल्डर रियल इस्टेट कंपनी के मालिक कहे जाते हैं, इसलिए जाँच बहुत कछुआ गति से चल रही है। लेकिन अब ये, जैसा मैंने कहा कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो अब तमाम जांचें उनकी खुलने जा रही हैं। यानी एलडीए का एक नोटिस जिससे शुरुआत हुई है, उसके बाद संजय सेठ के ऊपर जो जितने भी मामले आए हैं सामने, चाहे कैंट के बंगले का हो, और जो जिस शालीमार ग्रांड की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ से ठीक पीछे है, यानी इस अपार्टमेंट के ठीक पीछे शालीमार ग्रांड अपार्टमेंट है और वहाँ पर सैकड़ों फ्लैट है, उसमें भी एक मानक होता है कि अगर 8 मंजिल का, 10 मंजिल का, 12 मंजिल का अपार्टमेंट बनाएंगे, उसमें फ्लैट बनाएंगे, तो एक मानक होता है कि उसके सामने की सड़क कितनी चौड़ी होनी चाहिए। आपको ये सड़क भी दिखा दें, ये देखिए, ये सड़क उस मानक के हिसाब से भी नहीं है। यानी अपार्टमेंट अगर बनना चाहिए तो 8 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, इस तरह के अलग अलग मानक होते हैं सड़क बनाने के, या जिस सड़क पर अपार्टमेंट बन रहा है उस सड़क में कितनी क्षमता का, कितनी ऊंचाई का, कितने फ्लैट वाला अपार्टमेंट बनाया जा सकता है, उसका एक मानक तय होता है। ये मानक ये भी नहीं पूरा कर रहा है, यानी ये अपार्टमेंट जो बना हुआ है वो इस सड़क पर भी वो मानक पूरे नहीं हो रहे हैं। शालीमार ग्रांड की अगर हम बात करें तो बगल में है, वहाँ पर तो और भी कमज़ोर, और भी छोटी, और भी सकरी सड़क है जहाँ पर वो अपार्टमेंट कतई नहीं बन सकता था, लेकिन
समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में संजय सेठ ने अपने जो जुगाड़ है, रसूख है, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और ये सब अपार्टमेंट बनवाए हैं। अब इनकी जांच खुलने जा रही है, चाहे शालीमार एमरल्ड हो जहां हम खड़े हैं, शालीमार ग्रांड हो जो ठीक पीछे यहां पर स्थित है, और चाहे शालीमार वन हो। लेकिन दिलचस्प ये भी देखना होगा विवेक, क्योंकि अगर पैसा अच्छा है तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग लीगल टीम होगी संजय सेठ की, और वो लीगल टीम अपने नॉलेज और अपने स्किल और एक्सपीरियंस से क्या क्या दस्तावेज पेश करती है, ये भी देखने लायक होगा। इस पर भी जो अपडेट आएगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया विवेक तमाम इस डिटेल और जानकारी के लिए। यूपी के 60 जिलों ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट भेज दी है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। 60 जिलों में 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। 15 जिलों से रिपोर्ट अभी भी शासन को भेजनी है, बाकी है, और रिपोर्ट भेजने की अंतिम तारीख जो है वो 15 नवंबर है, डेडलाइन ये है। लेकिन डेडलाइन से पहले ही 60 जिलों ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है और इसमें ये पता चलता है कि 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे थे जो कि अब रिपोर्ट पे दर्ज हैं। ये रिपोर्ट शासन के पास भेजी जा चुकी है। 75 जिलों में ये पूरे सर्वे का काम हो चुका है, धीरे धीरे शासन के पास रिपोर्ट पहुंच रही है। 60 जिलों की रिपोर्ट तो आ गई है, 15 जिलों को 15 नवंबर से पहले अपने जिले की रिपोर्ट भेजनी होगी। आपको बताएं कि सर्वे हर जिले में हुआ है, इसके लिए एक टीम गठित की गई है और वो टीम जगह जगह जाकर के सर्वे करके आई है। जितने भी मदरसे हैं कई बिंदुओं पर उनकी जानकारी हासिल की गई है और इसी आधार पर एक रिपोर्ट जिला स्तर पर बनी है। जिला स्तर पर बनी रिपोर्ट अब शासन के पास भेजी जानी है जिसकी डेडलाइन 15 नवंबर है। 15 जिले बाकी हैं, बाकी 60 जिलों से जो रिपोर्ट आई है उसमें लगभग 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिनके पास मान्यता नहीं है, जिनकी डिटेल से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कागजात पूरे नहीं है। खबर मिल रही है रामपुर की सेशन कोर्ट में आजम खान का पक्ष रखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों की टीम करेगी रामपुर कोर्ट में बहस। आजम खान के वकीलों से अखिलेश यादव ने बातचीत की है। अखिलेश के कहने पर प्रयागराज से रामपुर पहुंचे हैं वकील इमरान उल्लाह। अब्दुल्ला आजम ने कल आजम खान को लेकर अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। रामपुर के सेशन कोर्ट में आजम की सदस्यता का ये पूरा मामला है। दिल्ली से भी कुछ वकीलों के रामपुर पहुंचने की उम्मीद है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सेशन कोर्ट की ओर डिराइव किया था, कहा था कि सेशन कोर्ट को ये पूरा मामला सुनना होगा और तभी उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो पाएगी। सदस्यता को लेकर के ये बहुत बड़ा मामला है लेकिन छोटे कोर्ट में निचले अदालत में है, ऐसे में निचले अदालत में जमावड़ा लगा है हाई कोर्ट के वकीलों का, दिल्ली से भी कुछ वकील आए, यानी कुल मिलाकर के लीगल एक्सपर्ट इस वक्त इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। कौन कौन पहुंचा है समझते हैं, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन के पास ज्यादा जानकारी है। तो मोइन, कौन कौन इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों के पहुंचने की खबर मिल रही है रामपुर? देखिए कल अब्दुल्ला आजम ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से बात की थी, देर तक बातचीत हुई थी और अब्दुल्ला आजम के कहने पर ही, उनके अनुरोध पर अखिलेश यादव ने खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई ऐसे वकीलों से सीधे तौर पर बातचीत की थी जो समाजवादी पार्टी के और खुद उनके परिवार के करीबी माने जाते हैं। उनमें से कुछ एक वकील जैसे पूर्व अपर महाधिवक्ता इमरान उल्लाह और उनकी टीम के सदस्य जो है वो रामपुर पहुंच चुके हैं। एक और पूर्व अपर स्थायी अधिवक्ता कमरुल हसन सिद्दीकी को भी जाना था लेकिन रात को उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई, इस वजह से वो वहां नहीं गए। लेकिन इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव खुलकर इस मामले में वकीलों से बातचीत कर रहे हैं, वकीलों को रामपुर कोर्ट भेज रहे हैं, तो वो इस मुश्किल वक्त में ये संदेश देना चाहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में जब आजम खान का परिवार मुसीबतों से घिरा हुआ है तो वैसे में अखिलेश यादव खुद और उनकी समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एक आजम खान के साथ है। तो एक सियासी संदेश देने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। वैसे भी जो है जो आजम खान के कई करीबी वकील इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आजम खान की वजह से ही उनको तमाम जगहों पर पद भी मिले थे, लेकिन खुद अखिलेश यादव जिस तरीके से लीड कर रहे हैं उसके जो सियासी मायने बिल्कुल मोइन, और जो लीगल एक्सपर्ट्स की पूरी टीम पहुंचेगी रामपुर, देखना ये होगा कि आज किस तरीके से रामपुर की सेशन कोर्ट से अपडेट आती है, इस पर भी निगाह टिकी रहेंगी। शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी के लिए। और यूपी के 53 जिलों में नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण का काम पूरा हो चुका है, ये खबर आ रही है। वार्डों के आरक्षण के पहले रैपिड सर्वे का काम खत्म हो चुका है, वार्ड के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 22 जनपदों में आरक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।
तो देखिए निकाय चुनाव को लेकर काम जोरों शोरों से चलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि परिसीमन हुआ है, इसीलिए कई क्षेत्रों में आरक्षण का फॉर्मूला भी बदला है। इसे बदलने के लिए जो सर्वे का काम है, रैपिड सर्वे का काम, वो खत्म हुआ है। जो ग्राउंड पर सिचुएशन है वो भी हम आपको लगातार बताते चल रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से खबर है, सपा का डेलीगेशन चुनाव आयोग नहीं जाएगा, बड़ी खबर मिल रही है। चुनाव आयोग को ईमेल के जरिए जवाब दिया जाएगा, ये भी जानकारी है। समाजवादी पार्टी ने 10,000 पन्नों में एक रिपोर्ट तैयार की है। चुनाव आयोग को 10,000 पन्नों का ईमेल किया जाएगा। रिपोर्ट में कई हजार वोटर्स के नाम गायब होने की जानकारी है। प्रोफेसर राम गोपाल ने एबीपी गंगा से फोन पर यह जानकारी दी, बताया कि चुनाव आयोग को ईमेल के जरिए जवाब देंगे। इसके साथ वोटर्स के नाम एकत्रित किए जा रहे हैं, इस बारे में भी आगे चुनाव आयोग को अवगत कराया जाएगा। आपको बताएं कि 27 अक्टूबर को एक नोटिस जारी हुआ था चुनाव आयोग की ओर से अखिलेश यादव को, जहां पर पूछा गया था कि विधानसभा चुनाव में जो आरोप वो चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं उसको सिद्ध करने वाले सबूत कहां हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने विधानसभा में करीब 20,000 मुस्लिम यादव मतदाताओं के नाम काटे थे, इसी को लेकर के सवाल पर जवाब तलब किया था चुनाव आयोग ने। इसे लेकर के अखिलेश यादव सबूत और दस्तावेज के साथ इन आरोपों से जुड़ा जो जवाब उनसे मांगा गया था, आज वो ईमेल के जरिए दाखिल करेंगे। यानी वो फिजिकली नहीं आएंगे, पेपर नहीं ले आएंगे, बल्कि ईमेल से बताया जा रहा है 10,000 पन्नों का एक बड़ा डॉक्यूमेंट है जो कि वो मेल करेंगे। अखिलेश यादव के पास ऐसी जानकारी है, सिलसिलेवार तौर पर पूरी जानकारी, किस विधानसभा में कितने मतदाताओं के नाम कटे हैं ये इकट्ठा कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट होगी जाहिर तौर पर। आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का और उनसे जानते हैं। तो अविनाश, मेल पर 10,000 पन्नों का डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी सपा, ऐसा कहना है, किस तरीके की जानकारी है इसे लेकर के? जी बिल्कुल, इस तरह अगर बात करें तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पहले बयान दिया था कि प्रत्येक विधानसभा से यादव और मुस्लिम वोटरों को मिलाकर 20,000 वोट के तकरीबन काटे गए हैं, इसके बाद चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को नोटिस जारी किया था जिसकी समय सीमा आज आखिरी दिन है, और इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से रिपोर्ट तैयार की है। 10,000 पन्नों की ये रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा को दी है। अभी कुछ देर पहले मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमने 10,000 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है जिसमें बकायदा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जिन वोटरों के नाम कटे हैं उन वोटरों के आधार संख्या सहित तमाम सारी जानकारी उन 10,000 पन्नों की रिपोर्ट में दी गई है। और इसके साथ साथ चुनाव आयोग को यह भी जानकारी दी जाएगी कि वो और भी तमाम तरह जो वोटर हैं जिनके नाम इस बार काटे गए हैं उनके बारे में जानकारी तलाश रहा है और उनके बारे में भी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, वो भी रिपोर्ट आने वाले वक्त में जल्द सौंपेगा। तो समाजवादी पार्टी ने एक पूरी तरीके से रिपोर्ट तैयार कर ली है और आज चुनाव आयोग को ईमेल कर दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले और जो लोग इसके लिए दोषी हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा, और उसके बाद अगर चुनाव आयोग कितने संख्या कितनी होगी 10,000 पन्नों पे, कितने लोगों का जिक्र किया है, कितने लोगों का डेटा शेयर किया है? जी बिल्कुल, यही संख्या के बारे में मैंने प्रोफेसर राम गोपाल यादव से भी पूछा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हजारों की संख्या है वोटरों के लिए, लेकिन एग्जैक्ट फिगर उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने तकरीबन कहा कि 10,000 पन्नों में तकरीबन 20,000 के ऊपर ही वोटर हैं जिनके नाम कटे हैं और उनकी जो है एक मोटा मोटा अभी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर उन्होंने वो नहीं बताया। इसके साथ ये भी कहा है कि और भी जो वोटर हैं जिनके विधानसभा क्षेत्र से जिनके नाम काटे गए हैं उनके बारे में भी और लिस्ट तैयार की जा रही है और उन लिस्ट को भी समाजवादी पार्टी जल्द ही चुनाव आयोग को सौंपेगी और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग भी करेगी। तो ये जानकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल ने दी है और आज ईमेल कर दिया जाएगा चुनाव आयोग को, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो नोटिस जारी किया है उसका आज आखिरी दिन है और आज समाजवादी पार्टी को जवाब देना है। 10,000 पन्नों का डॉक्यूमेंट क्या मेल के दायरे में आ पाएगा और उसे मेल करेंगे, तमाम चीजें हैं, देखते हैं। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 10,000 पन्नों पे कितने नाम आ सकते हैं अविनाश, हम आप अंदाजा ही लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, लेकिन हाँ ये बड़ा बड़ा इनपुट है कि समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया है, ग्राउंड पर इतने नाम इकट्ठे किए हैं। देखते हैं कि आज इस पर कैसी अपडेट आती है, आप नजर बना करके रखिएगा। अविनाश शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।